नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएम भारत न्यूज। निष्पक्ष कार्यवाही करने वाले बेहद ईमानदार अधिकारी एसपी अभिषेक वर्मा का अचानक किस तरह ट्रांसफर होना चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के परिजनों ने पुलिस को अस्पताल में असुविधा होने पर एक दोबारा नंबर पर फोन किया तो पुलिस की सिर्फ गलती इतनी थी कि वह पीड़ित के फोन करने पर अस्पताल पहुंची थी। इसी का खामियाजा हापुड़ एसपी और एएसपी को भुगतना पड़ गया। इतना ही नहीं, सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के साथ अस्पताल के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी ने धक्का मुक्की भी। निचले स्तर के अधिकारियों ने हापुड़ एसपी को पूरे मामले की जानकारी खुद दी। एसपी मौके पर पहुंचे और इसी का खामियाजा जनपद के बेहद ही ईमानदार और निष्पक्ष कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भुगतना पड़ गया। 112 नंबर पर शिकायत करने वाले पीड़ित का कहना है कि हमें असुविधा हो रही थी, हमने पुलिस को अपनी हेल्प के लिए बुलाया लेकिन पुलिस के साथ अस्पताल की प्राइवेट सिक्योरिटी ने धक्का मुक्की की, हमें भी बाहर किया और पुलिस को भी बाहर कर दिया गया। कार्यवाही अस्पताल पर होनी थी लेकिन बेहद ईमानदार अधिकारियों पर हुई, जो निंदनीय है। हापुड़ एसपी और एसएसपी पर कार्यवाही होना अब चर्चा का विषय बन गया है। अस्पताल प्रशासन पत्रकारों का भी फोन नहीं उठा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएनएम भारत न्यूज। ड्रामा हॉस्पिटल में लाया था तो मम्मी को दिखाया मैंने यहाँ पर, तो मम्मी के गांठ बताई थी, उसके लिए ऑपरेशन किया, ऑपरेशन बताया था तो मैंने मम्मी का ऑपरेशन के लिए एग्री हुआ और मम्मी का ऑपरेशन 1 तारीख को हो चुका था और 1 तारीख से आज तक की रिपोर्ट है कि ब्लड रुक नहीं रहा उनका। और हमने डॉक्टर से मालूम किया तो डॉक्टर ने हमें आनाकानी बताई कि रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, कुछ चीज़ ये हो रही है, फिर गांठ पूरी नहीं निकली, दुनिया भर की बातें बताई। फिर जब मैं परेशान ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, खून चढ़ाव जा रहा हूँ मैं मम्मी को और ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो उस दौरान मैंने मम्मी का अपने दोबारा से उनसे कहा कि सर क्या दिक्कत है, तो ये नहीं बता रहे थे मुझे। बोलिए सर। फिर मैंने इनसे कैसमरी मांगी है, कैसमरी इन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि कैसमरी नहीं देंगे हम तुम्हें। फिर मैं थोड़ा सा इनको टाइट हुआ तो इन्होंने मेरे को कैसमरी के लिए एग्री हो गए और कैसमरी मेरे को गलत बना के दे दी, जिसमें कैसमरी में लिखा था कि पेशेंट जो आया है मेरे पास वो खून बहता हुआ आया था, जबकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला मेरे को आनाकानी कर ले। फिर मैंने 112 पे कॉल की, 112 मेरे पास आई है, उनको मैंने अपनी कंडीशन बताई तो वे नीचे गार्ड था, उनसे उन्होंने कंफर्म किया कि ये का इंचार्ज कौन है, तो इंचार्ज उन्होंने गार्ड ने बताया कि 3rd फ्लोर पर बैठता है। 3rd फ्लोर पर जाने के बाद दरोगा ने उनसे मालूम किया कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, तो उन्होंने बताया कि इनका यहाँ का इंचार्ज ये है। पूछा कि जुबैदा पेशेंट आपके पास है, तो उन्होंने बोला कि हाँ है, कि सर क्या दिक्कत है इनको, तो बोला वहाँ का इंचार्ज कि तुम कौन होते हो, क्या कर लोगे तुम। तो सर ने जो दरोगा है उन्होंने बोला कि हम कुछ करने नहीं आए, हम इंक्वायरी करने आए बस, तो तुम कौन हो तो इंक्वायरी करने वाले, क्या कर लोगे तुम मेरा, पुलिस क्या है ये चीज़ें। तो उन्होंने पुलिस वालों को भी उल्टा सीधा बोला और मुझे ही बोला उल्टा सीधा। उसके बाद उन्होंने बोला अपने गार्ड होम गार्ड जो होते हैं उनके सिक्योरिटी, तो उन्होंने बोला कि इनको निकालो और पुलिस वालों को कि इनको निकाल के बाहर धक्का दो। 2 बार ये बात बोली, पुलिस वालों को धक्का दिया, फिर मुझे भी बाहर निकाल के फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद सर हम बाहर आ गए, बस यही हुआ था सर। अच्छा, ये जो कल कितने बजे घटना थी पूरी? ये कल सर 2 बजे के लगभग, समथिंग 2 बजे की घटना थी। उसके बाद अधिकारी भी पहुंचे थे वहाँ पे? सर अधिकारी भी पहुंचे थे, पुलिस काफी प्रशासन था वहाँ पर।